नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और केस स्टडी के साथ में। और बिल्कुल आपने सही पढ़ा, तीन छोटे छोटे से उपाय और 100% कर्जा मुक्ति, बिल्कुल कर्जे से फ्री हो गए। और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर उनको ये पता लग गया कि उनकी जिंदगी में अब कर्जा नहीं रहने वाला है। कौन से तीन उपाय जो आप अभी इसी वीडियो में सीख लोगे, किसी तरीके के कोर्स को करने की, किसी तरीके से जिंदगी के अंदर अपना पैसा खर्च करने की, या इन साइंसेज के अंदर सिर्फ इसलिए आने की क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपको जरूरत नहीं है। आप वीडियोस के माध्यम से बड़े आराम से सीख सकते हो और अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। और साथ ही साथ में ये छोटी छोटी सी केस स्टडीज अपने आप में आपको 100% वास्तु सिखा देती हैं। व्हाट इज 100%? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बाकी हमारे इंडियन साइंसेज, हमारे वैदिक विज्ञान इतने बड़े हैं कि कोई इंसान की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने जीवन के अंदर उस साइंस को पूरा बता सके या पूरी उसकी नॉलेज ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, बिना रुके इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या थी। उन्होंने सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को ये बात बोली कि भैया, जब से इस घर के अंदर आए हैं, कर्जा बढ़ रहा है, पैसा डूबते जा रहा है, पैसा खो जाता है, खत्म हो जाता है। अलमारी के अंदर 1 लाख रुपए रखे थे, अब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर 20-30 हजार रह गए। शायद चोरी तो नहीं हो गए, हमने तो खर्च ही नहीं किए थे। जबकि इस घर में आने से पहले हम बहुत अच्छे थे, हमारे पास सेविंग्स भी होती थी, और अब मुझे लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है। इनफैक्ट मैंने ये सोचा था इस घर को शिफ्ट करने के लिए जो मुझे पैसा लग रहा है, वो भी जो मेरे पास लोन है, वो मैं तो 1-2 महीने के अंदर चुका दूंगा। इट्स बीन अ ईयर नाउ, पर मैं नहीं चुका पाया। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूं। नक्शा देखते ही मैंने इस बात पे पहुंचा, डिसाइड किया कि सिर्फ 3 उपाय देने हैं और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जिंदगी के अंदर इनको नेक्स्ट लेवल पर लेके अगर जाना होगा, जैसे इनकी जिंदगी को बेहतरीन करना होगा, इनका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा करना होगा, इनकी दुकान बहुत अच्छी चलानी होगी और इनके पास खूब सारे पैसे की डेवलपमेंट करनी होगी, तब हम एक अलग से बात सोचेंगे। आज क्या करना है, तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता हूं कि पहला पॉइंट हमारा होता है एंट्रेंसेस। हालांकि आपने बीबीसी कोर्स के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो W7 W8 की एंट्रेंस होती है, ये अडॉप्टिंग अनफेयर मींस, मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचना, 2 नंबर के काम करना और इस तरीके से डिप्रेशन देना, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स देती है। पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस आज आपको ये पता लगेगा, या हो सकता है मैंने बीबीसी के अंदर भी बोला हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो W7 W8 की एंट्रेंस है, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस भी कर्जों की कारक हो जाती है। ये कर्जे बहुत बड़े नहीं होते पर टेंशन वाले होते हैं। जैसे अगर ये साउथ की एंट्रेंस होती तो ये कर्जे बहुत बड़े होते, पर ये वाले कर्जे बहुत बड़े ना होकर एक छोटे छोटे से कर्जे जो इंसान को प्रॉब्लम देते हैं वैसे बन जाते हैं। तो खैर, मेरा ये सिम्टम मैच हुआ, रेमेडी क्या करेंगे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। दूसरे लेवल पर हम क्या क्या देखते हैं, बेडरूम कहां है, किचन कहां है, टॉयलेट कहां है, और सारे घर के अंदर कलर्स क्या क्या मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुझे पता लगा एक जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, एक साउथ वेस्ट के अंदर आता है। तो मैंने इन दोनों चीजों के बारे में पता किया, आप कौन सा रूम यूज करते हो। उन्होंने कहा हम ये रूम यूज करते हैं, ये बच्चों का है। तो बैंगलोर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का रूम हो सकता है। साउथ वेस्ट का जो रूम था वो यहां सोते हैं, यहां सोने पर उनके साथ में क्या हुआ कि यहां पर एक अलमीरा है, वहां उन्होंने कुछ पैसे रखे। साउथ साउथ वेस्ट क्या करता है, सोने की लोकेशन ओके है क्योंकि यहां पर साउथ साउथ वेस्ट का कोई रिस्पॉन्सिबल रोल नहीं आता। यहां पैसे रखने से क्या हो गया, सारा का सारा नुकसान हो गया। उनको नहीं पता था कि ये जो है वो साउथ वेस्ट ना होके साउथ साउथ वेस्ट है। उन्होंने इसके अंदर पैसे रखे और वो डिस्पोजल के कारक हो गए, मतलब डिस्पोज हो गए, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट क्या देता है, डिस्पोजल। आपने जो पैसा है उन्होंने घूमने की शिकायत बोली, चलो 2 नंबर का सिम्टम मैच होता है। थर्ड क्या होता है, सो सही रहे हैं इसलिए शायद स्टेबल होंगे। हमें टॉयलेट भी देख लेनी चाहिए, टॉयलेट कहां पर आ रही है, यहां पर। ये क्या करती है, गेन्स को कम करती है। क्यों, क्योंकि वेस्ट किस चीज की दिशा है, गेन्स की। गेन्स को उस टॉयलेट ने क्या किया, डिस्पोज ऑफ करने लग गई। पैसा पहले नहीं आ रहा, कर्जा हो रहा है, पैसा चला जा रहा है, ऑल टुगेदर रिजल्ट किस चीज का बन रहा है, गेन्स खत्म हो रहे हैं। ऑल टुगेदर सारी चीजें मिलकर एक फाइनल FIR बनाते हैं, एक फाइनल आउटपुट बनाते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर घटित हो क्या रहा होगा। चलो ये भी हो गया, हमने इसके भी उपाय कर दिए। अब बात आती है इस किचन की। एंशियंट वास्तु के हिसाब से बड़े ही प्यार से उन्होंने यहां पर बर्नर रखकर किचन बनवा ली। एक तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर टेंशन, खैर इसका पैसों से कोई रिलेशन नहीं है, पर ये जो स्लैब है एज यूजुअल जो सब लोग करते हैं ब्लैक कलर की उन्होंने लगवा ली।
तो तीन उपाय क्या क्या दिए हमने, एक दो और तीन। ये उपाय नहीं है, सिर्फ ये बोला कि आज के बाद यहां पे आपको नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अलमारी को यहां कर देना है और यहां पर कोई सामान नहीं रखना है। इस लैब के लिए हमने उपाय कराया, इसके लिए कराया और इसके लिए कराया। क्या क्या उपाय हमने करवाए हैं? सबसे पहला उपाय हमने करवा दिया कि यहां पर इस जगह पर एक व्हाइट कलर की टेप लगवा दी। व्हाइट कलर की टेप कैसे लगती है ये अब आप लोगों को पता होगा, बिगनेर वास्तु कोर्स भी देख सकते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। टॉयलेट सीट के तीन तरफ फिर से व्हाइट लगा दी, क्योंकि ये भी स्पेस एलिमेंट का है, व्हाइट कलर की टेप लगा दी। कोई भी हमने परमानेंट उपाय स्ट्रिप्स वगैरह नहीं करी और कोई इस केस के अंदर अभी तक एडवांस उपाय नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, ये ब्लैक स्लैब थी, इसके ऊपर ग्रीन कलर का हमने एक विनाइल की शीट हमने यहां पर लगवा दी, जिस विनाइल की शीट से इसकी तत्व शुद्धि हो गई और इनका घर सही हो गया। उसके 30 दिनों के बाद ये बोलते हैं, सर पैसा बहुत अच्छा है, सेविंग होने लग गई है, अब ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नजर नहीं आती है, गेंस भी होने लग गए हैं और जो मेरी किश्त थी अब मेरे को उसके लिए लोगों से पैसा नहीं मांगना पड़ता और मेरी जो उधार है वो मेरी कमाई से चुकने लग गई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से 3-4 महीने भी चलेगा, सो आई विल बी 100% कर्जा मुक्त। तो छोटी सी वीडियो, छोटी सी केस स्टडी जिसने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी, किस तरीके से वास्तु काम करता है, इसी तरीके से सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। अपने सुझावों को लिखने के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।